हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम टू फाइनेंस मार्केट वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों इस वीडियो के अंदर यस बैंक लिमिटेड के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों में से यस बैंक लिमिटेड के बारे में पूछा था कि क्या इसमें अभी फ़्रेश पोजीशन बनानी चाहिए तो उसी के लिए आज की ये डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाएँ एंड दूसरी रिक्वेस्ट ये दोस्तों आप लोगों से कि आपके किसी दोस्त को डीमिट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप है उस लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं okay now let's talk about yes bank limited दोस्तों प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 11.70 पे क्लोज हुआ था और आज ही ओपन होता है 11.95 पे आज यानी 30 जुलाई 2020 को 11.95 पे ओपन होने के बाद लो बनाता 11.85 का और हाई बनाता है 12.10 का फिफ्टी टू वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो फाइव पॉइंट सिक्स फाइव है और फिफ्टी टू वीक हाई है नाइन्टी एट पॉइंट सेवन जीरो का लोअर प्राइस बैंड लगा था एलेवन पॉइंट वन फाइव एंड अपर प्राइस बैंड लगा था ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव का एन एस सी के ऊपर करंटली दोस्तों एक के छियालीस मिनट हो रहे हैं दिन के ग्यारह एलेवन पॉइंट नाइन फाइव के ऊपर ये अभी फ्लोट हो रहा है ट्रेड हो रहा है जीरो पॉइंट टू फाइव पॉइंट ऊपर या फिर 2.14% पॉइंट वन परसेंट अबव दैन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस करंटली टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों तो एक बज के मिनट तक एक मिलियन यानी 164.69 मिलियन इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 16 करोड़ 47 लाख फोर्टी वन थाउजेंड वन यूज वॉल्यूम है अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो दोस्तों ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट सिक्स वन करोड़ की मार्केट कैप है इसकी फेस वैल्यू अगर आप चेक करें तो टू पॉइंट जीरो जीरो है बीटा अगर आप चेक करेंगे तो माइनस में है जीरो पॉइंट वन थ्री इंडस्ट्री का पी ई रेशियो अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फाइव है काफ़ी ये अभी एक्सपेंसिव लग रहा है क्योंकि अर्निंग पी ई रेशियो क्या होता है बताइए पी ई रेशियो आई होप आपको पता होगा ठीक है इसके अलावा प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली होता है अगर अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी तो ऑफ़कोर्स पी रेशियो कम होगा ना तो ये पी रेशियो मुझे तो नहीं लग रहा है कम है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फाइव काफ़ी ज़्यादा है अभी सिक्योरिटी वाइज़ डिलीवरी परसेंट की बात करें दोस्तों तो फोर्टी एट पॉइंट नाइन जीरो की सिक्योरिटी वाइज़ डिलीवरी है ये एन एस सी का डेटा आपको मैंने बताया है यही चीज़ आपको बी एस सी के ऊपर जा कर के मैं बता रहा हूँ तो बी एस सी के ऊपर आप डेटा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे 68.57 परसेंट की स्टेक है आप देख सकते हैं यहाँ से वहीं पे बी के ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो बाइंग क्वांटिटी है वो 52 परसेंट है यानी 76.58 लाख फाइव एट लैख वहीं पर नंबर ऑफ सेलिंग क्वांटिटी की बात करें तो 70.44 पॉइंट फोर है यानी 48 परसेंट सेलिंग क्वांटिटी है यानी देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिचुएशन पे बायर्स जो हैं डोमिनेंट है और सेलर्स जो हैं डोमिनेंट नहीं है राइट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग मूविंग एवरेज देखेंगे जल्दी से फटाफट दोस्तों पाँच दिन दस दिन बीस दिन पचास दिन सौ दिन और टू हंड्रेड डेज़ के मूविंग एवरेज सबके ऊपर ये बैरिज है और सारे मैं आपको रिस्पेक्टिवली बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव डेज़ का है ट्वेंटी ट्वेल्व पॉइंट थ्री जीरो टेन डेज़ का है फिफ्टीन पॉइंट थ्री जीरो ट्वेंटी डेज़ का 19.60, पॉइंट सिक्स जीरो फिफ्टी डेज़ का ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव वन और हंड्रेड डेज का दोस्तों ट्वेंटी सेवन पॉइंट जीरो टू और टू हंड्रेड डेज का मूविंग एवरेज है थर्टी सेवन पॉइंट नाइन सेवन सबके ऊपर ये बैरिश है टेक्निकल ट्रेंड आपको देख रहा होगा वेरी वेरी बुलिश है आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क रेड डार्क रेड रिप्रेजेंट करता है काफ़ी ज़्यादा बरिश है बुलिश नहीं है दोस्तों अगर मेरे मुंह से बुलिश निकल गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं वेरी बेरिश है मतलब बहुत ज़्यादा ये रेड में है इसके अलावा टेक्निकल्स में पाइवोटेड लेवल अगर आप देखें तो एलेवन पॉइंट एट एट का है फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व पे सेकेंड लेवल रेजिस्टेंस जो इसको फ़ेस करना पड़ेगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव थ्री पे और थर्ड लेवल ऑफ़ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा ट्वेल्व पॉइंट डबल सेवन पे सपोर्ट लेवल की अगर आप बात करें तो एलेवन पॉइंट फोर सेवन है सपोर्ट लेवल टू इसको मिलेगा एलेवन पॉइंट टू थ्री पे और सपोर्ट लेवल थ्री इसको मिलेगा टेन पॉइंट एट टू पे हालांकि सपोर्ट वन सपोर्ट टू आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे हैं अभी ये अलेवन पॉइंट नाइन फाइव के ऊपर फ्लोट हो रहा है इसके अलावा दोस्तों इस्टेक होल्डिंग पैटर्न की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको देख करके ताजुक होगा कि जून ट्वेंटी 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 वन का जो सेशन फ़र्स्ट सेशन जो फिनिश हुआ है फर्स्ट क्वार्टर फिनिश हुआ है नए साल के सेशन का 2020 2021 का जिसके अंदर प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो जीरो परसेंट है वहीं पे एफ के पास वन पॉइंट डबल सिक्स परसेंट है वहीं डी की अगर आप चेक करेंगे तो एट्टी थ्री पॉइंट ज़ीरो सिक्स परसेंट है दोस्तों डी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं उसमें बैंक्स भी होते हैं कुछ फिनंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं एन होती हैं ठीक है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ भी होती हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कुछ डी होते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स के यहाँ पे स्टेक जीरो पॉइंट फाइव सिक्स है काफ़ी कम है वहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्लैश बैंक की अगर आप देखें तो सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट एट परसेंट है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एस की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग थी वो थर्टी परसेंट घट करके हो गई है जब से ये आ, एफ पी जो इन्होंने लिस्टिंग हुई है ट्वेंटी ऑफ जुलाई को उसके बाद से एंड आफ्टर दैट अगर आप मार्च 2020 के कोडर की डेटा की बात करें तो मार्च मार्च ट्वेंटी में मोडर्स के पास स्टेक थी 1.42 परसेंट जिसका 1.69 परसेंट इन्होंने गिरवी रखा था और यहाँ पे 1.86 परसेंट की प्लेज आ, ये एफ आई आईज़ के पास डेटा था और इसके अलावा यहाँ पे डी आई आईज़ के पास 83.95 परसेंट की स्टेक थी यानी यहाँ पर और अदर कैटेगरी वालों का अगर आप देखें तो ट्वेल्व है वहीं पे दिसंबर क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2019 की तो उसमें 8.33 परसेंट की स्टेक थी आपके प्रमोटर्स के पास जिसका 2.59 पॉइंट फाइव स्टेक गेवी था फिफ्टीन परसेंट की स्टेक थी आपके एफ के पास और डी के पास 28.53 परसेंट की स्टेक थी आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2019 के निकलने के बाद से जो मार्च 2020 का जो क्वार्टर है इसके अंदर जो यस बैंक की हालत बहुत बुरी हो गई थी जिसकी वजह से उसको एस ने एक्वायर किया था उसको संभालने के लिए आर की गिवन गाइडलाइंस के अनुसार अब दिसंबर 2019 में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे अदर कैटेगरी वालों के पास 47.96 परसेंट की स्टेक है सितंबर 2019 की बात करें तो 13.05 पॉइंट परसेंट की स्टेक है प्रोमोटर्स के पास जिसका 35.05 फाइव परसेंट प्लस था एफ के पास आप देखेंगे तो 26.51 परसेंट की स्टेक है डी के पास 30.5 परसेंट की स्टेक है और 29.94 नाइन परसेंट की स्टेक आपके अदर कैटेगरी वालों के पास है तो ये दोस्तों कुछ लास्ट के फोर क्वार्टर्स का डेटा था आई होप आपको कुछ समझ में आया अब दोस्तों अभी आपको बताया था मैंने ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी को इनकी बोर्ड मीटिंग थी जिसका मेन एजेंडा था रिलीज़ करना इसके डेट को नंबर्स को और नंबर्स रिलीज़ हुए नंबर्स जो है रिलीज़ कर दिए गए क्वार्टर जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को तो आपने देखा था कि इनके अंदर काफ़ी अभी लॉस हुआ है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यस बैंक जो भी है इसके प्रशांत भूषण कोई नए इनो आ, एस बी के रिटायर कोई हैं इनको अपॉइंट किया गया है इसके कारोबार को संभालने के लिए इसको देख रेख करने के लिए तो इन्होंने एक अब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है इस बैंक को रिवाइव करने के लिए दोस्तों यस बैंक की जितने भी एन हैं जितने भी इनकी नो आ, इन्होंने लोन बांट रखे हैं उन लोन्स को रिकवर करने के लिए उन कंपनी से बेसिकली जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं हाल ही में आप देख सकते हैं सुन आप आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ हाल ही के अंदर अभी कल के दिन की बात है कल के दिन ये न्यूज़ आई कि जो यस बैंक है वो अनिल अंबानी ए डी ए जी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं उन सबका जो भी एक यू नो हेड क्वार्टर है मुंबई में किसी जगह पे तो उसको इन्होंने इनो इन्हों, पोजीशन में ले लिया है ताकि ये टू थाउजेंड एट हंड्रेड समथिंग करोड़ का जो डिफ़ॉल्ट किया है उन्होंने अनिल अंबानी ने उनको मतलब वसूला जा सके उसको हम लोग वो उसको आ, येस बैंक किसी दूसरी कंपनी के साथ यूनो जो उसको ख़रीदने के लिए रेडी हो उसके साथ नीलामी कर सके तो ये एक अच्छा कदम है एक बढ़िया कदम है और इस तरीके Uh, मैं यस yes बैंक के पॉइंट ऑफ़ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ अगर मैं आर कॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसके लिए बहुत बुरा है हालाँकि यस yes बैंक के पॉइंट ऑफ़ व्यू से अगर आप देखें तो ये बुरा नहीं है सही है अपने एन को अगर ये रिकवर नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किसका नुकसान होगा किस बैंक का होगा क्या एस का होगा पी का होगा यस बैंक के एन को यस yes बैंक नहीं करेगा एक्वायर तो कौन करेगा तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ यस बैंक और यस बैंक को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से ऐसा लग रहा है ठीक है तो अगर आप पूछेंगे यहाँ पे कि आपको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं बहुत सेफ़ सेफ़ चाहते हैं तो फिर आपको होल्ड करके रखना चाहिए अभी बने रहिए थोड़ी देर आप बस तमाशा देखिए थोड़ा और अगर नीचे गिर के आता है तब आप पोजीशन ले सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल रिस्क रिस्क प्रोफाइल थोड़ी सी आपकी हाई है तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो बाकी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ा सा होल्ड करिए होल्ड करके एज़ इट गोज डाउन आप इसको बल्क में लेके आप छोड़ सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर इस बैंक ने रिवाइव करने के लिए अपने हर संभव कोशिश किया है और इन्होंने हाल ही में एफ इन्होंने और लॉन्च किया था जिसकी लिस्टिंग हुई थी ट्वेंटी ऑफ जुलाई को जिसका मेन एजेंडा था बैंक से मतलब इसको फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपए का अरेंजमेंट करना था ताकि अपने ऑपरेशनल चीज़ें हैं उसको बूस्ट कर सके अच्छा कर सके और बढ़िया कर सके तेज़ कर सके मतलब दुरुस्त कर सके हालांकि इस काम को करने के लिए अभी इनको और ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले कुछ दिनों कुछ दिनों में क्या कुछ महीनों में सो so, यहाँ पे आर ने भी स्ट्रिक्टली बोल दिया है सारे बैंक्स को कि अपने अपने तरीके से वो लोग सावधान रहें बुरे टाइम से बचने के लिए क्योंकि बुरा टाइम बता के नहीं आता ठीक है तो हालांकि बैंक, बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री अगर आप बात करें तो सिचुएशन उतनी अच्छी तो अभी नहीं है लेकिन अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको आ, मतलब आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाक़ी आपकी मर्जी है आप अपने हिसाब से भी थोड़ा चल सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वो बिल्कुल सही हो मैं गलत भी हो सकता हूँ So this is all about this video. I hope you understood, guys. If you have to ask any question or if you want to share your opinion regarding this, please go in comment section and let me know. If you haven't subscribed this channel, please make sure to do that along with pressing the bell icon nearby that, and also make sure to refer your friend to dem, uh, to open demand account through given link in my description box uh, in the description box of this video especially. So please follow that. Take care. See you next time. Thank you.